सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में। एंड आज के इस ब्लॉग में हम जो है आपको एक प्रॉपर राइड रिव्यू देने वाले हैं द ऑल न्यू होंडा शाइन 125 BS6 फेज 2 का। इस बाइक का फीचर्स रिलेटेड रिव्यू ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। आई बटन पर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह आपको लिंक मिल जाएगा। एंड ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको इसके थोड़े बहुत फीचर्स बता देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखने में एंड इसका राइड रिव्यू समझने में और भी ज़्यादा मजा आए। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी मस्कुलर सा हेडलैम्प ऑफर किया जाता है जो कि हैलोजन है। एंड साथ ही साथ यहां पे हैलोजन टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। होंडा की ब्रांडिंग जो है वो आपको जो है स्टिकर फॉर्म में देखने को मिल जाती है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको जो है कंपनी ऑफर करती है। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको कंपनी दो वेरिएंट ऑफर करती है, एक आता है ड्रम के साथ एंड दूसरा आता है डिस्क के साथ। ड्रम वेरिएंट अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें आपको फ्रंट में 130mm का जो ड्रम ब्रेक है वो मिल जाता है एंड रियर में भी 130mm का जो ड्रम है वो ही देखने को मिलता है। बट अगर आप डिस्क वेरिएंट परचेस करते हो तो उसमें आपको जो है डिस्क वेरिएंट में आपको 240mm का जो ब्रेक्स है वो फ्रंट में ऑफर किया जाता है, साथ ही साथ रियर में भी आपको जो है 130mm का जो ड्रम ब्रेक है वही देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो कंपनी यहां पे आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही जो है आपको 80x100 सेक्शन के जो टायर हैं वो ऑफर करती है। एंड दोनों ही जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ जो टायर का ब्रांड है वो MRF रहने वाला है। सीट आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वाइड है, साथ ही साथ इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा बढ़िया रखी गई है, तो कंफर्ट के मामले में इस बाइक में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको काफी बढ़िया सा एंड काफी ओल्ड स्कूल टाइप का जो मीटर कंसोल है वो ऑफर किया जाता है। इसमें आपको काफी बेसिक से फीचर मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टेल लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं जैसे टर्न सिग्नल्स की लाइट, लो बीम एंड हाई विंड जो है साइड स्टैंड वार्निंग लाइट एंड यहाँ पे आपको फ्यूल गेज। इंजन पावर फिगर की बात करें जो कि सबसे ज्यादा मेन चीज रहती है एक बाइक के बारे में, तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कंपनी आपको 123.94 सीसी का एक एयर कूल्ड SI इंजन ऑफर करती है जो प्रोड्यूस करता है 10.74 PS का पावर 7500 RPM पर एंड 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6000 RPM पर। बाकी चलाने में कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस देता है, कैसा रिफाइनमेंट है, हीटिंग इश्यूज हैं या नहीं है, ये सारी चीजें तो अभी हम जब रोड पे जाएंगे इसको चलाएंगे तो आपको बताएंगे। सो सबसे पहले करते हैं इस बाइक का इग्निशन ऑन, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई गेस्चर नहीं देखने को मिलता है। हालांकि इसमें एक गेस्चर ऐड किया जा सकता था, ये जो निडल्स हैं वो ऊपर जाती तो थोड़ा सा कूल लगता, स्पोर्टी लगता, हालांकि यहाँ पे कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं ऐड किया है। इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कंपनी इंटीग्रेटेड इंजन फ्यूल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट स्विच ऑफर करती है। ऊपर रहता है तो इंजन बंद हो जाता है, बीच में आता है तो इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑन हो जाता है, साथ साथ नीचे प्रेस कर देंगे तो बाइक जो है ऑन हो जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट नोट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथिंग का साउंड देखने को मिलता है, तो अगर लॉन्ग राइड वगैरह जाते हो, मतलब ज्यादातर रन है, तो आपके जो कानों में इसका जो साउंड है वो चुभने वाला नहीं है। अब इसको करते हैं एक फटाफट से लॉन्च एंड देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है इंजन की, कैसा पंच हमको मिलता है। ओ भाई, ओ बाप रे बाप, लिटरली बॉस ये तो आगे से लिफ्ट हो गई, व्हीली पड़ जाए। अगर आपके पीछे कोई पिलियन बैठा हुआ है एंड आपने इसको झटके से उठा दिया तो ये लिफ्ट हो जाती है। नाइस, काफ़ी अच्छा पंच आपको जो है देखने को मिल जाता है इस बाइक में। वेरी गुड, सो इनिशियल पिकअप के मामले में बाइक काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। मिड रेंज भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है एंड टॉप एंड जो है इसके इंजन के सीसी को देखते हुए, सेगमेंट को देखते हुए, वो भी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सारी जो रेंज है, मतलब लो, मिड एंड हाई, इसमें आपको पूरा पंच मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिल रहा है तो मिड रेंज आपकी कम पड़ गई, या मिड रेंज एंड टॉर्क अच्छा, लो एंड अच्छी मिल रही है तो उसके बाद जो आपकी बाइक है वो टॉप एंड में रुला रही है। यहाँ पर आपको तीनों जो रेंज है उसकी बढ़िया मिलने वाली है। जब तक आप इस बाइक को थ्रॉटल दोगे तब तक ये पंच डिलीवर करती रहती है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस बाइक में एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज आपको मिल जाता है। इस सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा टॉर्क दिया जाता है, तो अगर आप हिली एरिया में रहते हो या आपका वेट वगैरह ज़्यादा है एंड आप ऐसी जगह बाइक चलाते हो जहाँ पर आपको पावर की बहुत ज़्यादा नीड मिलती है, तो जो है आप इस बाइक को डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पर आपको टॉर्क के मामले में कोई शिकायत नहीं होने वाली है। सुबह जब बात कर लेते हैं इस बाइक के रिफाइनमेंट के बारे में, तो यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पर आपको 125 सीसी का एक एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है जो प्रोड्यूस करता है 10.74 PS का पावर एंड 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी रिफाइनमेंट जो है वो आपको बहुत ही लाजवाब देखने को मिल जाता है। इनिशियल में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, मिड रेंज भी आपको कोई वाइब्रेशन नहीं मिलते, बट आप सबको पता है एक सिंगल सिलेंडर इंजन है एंड एंट्री लेवल की एक कम्यूटर बाइक है, तो वहां पर आप जब टॉप एंड ज्यादा खींचोगे, इसके अवकाश से ज्यादा खींचोगे, तो आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन मिलते हैं, बट वो केवल आपके जो है फुटपैक्स पे आते हैं एंड हैंडल बार पे आते हैं। आपकी जो सीट है उस पर किसी तरह का कोई वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी
फाइव स्पीड गियर बॉक्स जो है वो ऑफर करती है। गियर का जो पैटर्न है वो पूरे के पूरे शिफ्ट अप है। जनरली आपने देखा होगा कि जितनी भी बाइक्स आती हैं उसमें वन डाउन होता है एंड फाइव बाकी सारे शिफ्ट अप होते हैं, बट यहाँ पे आपको कंपनी ने जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपको सारे जो गियर्स हैं वो पीछे की तरफ ही लगते हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी क्लच की बात करें तो क्लच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब अगर आप इस बाइक को जो है डेली यूज़ ट्रैफिक वगैरह में लेके जाते हो या ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लच का यूज़ करना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हो। आपके पाल्म पे या फिर आपकी फिंगर वगैरह पे कोई भी जो है स्ट्रेस नहीं पड़ने वाला है। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी काफ़ी अच्छा जो राइडिंग कंफर्ट है वो ऑफर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो पूरा कम्यूटर सेगमेंट वाला देखने को मिलता है। मतलब आप ज़्यादा लीन रहते हो ना ज़्यादा स्ट्रेट रहते हो, मतलब एकदम हल्का सा लीन हो, मतलब मान के चलिए आपकी जो बॉडी है वो लगभग 10% तक ही लीन होती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है एंड आपकी बॉडी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपके जो लेग्स हैं वो आपके पूरे स्ट्रेट रहते हैं, तो आप लॉन्ग राइड पर जाते हो या ज़्यादा रन करते हो तो आपके पैरों वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आप अपने जो लेग्स हैं उनको अच्छे से टैंक पर टक इन कर सकते हो, जिसकी वजह से कॉर्नर वगैरह करने पे या सिटी वगैरह में जिगजैग करने में निकालने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है। सीट की कुशनिंग की अगर हम बात करें तो सीट की कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा लगाव मिलती आती है आपको। यहाँ पर आपको स्पेस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें जो मटेरियल वगैरह यूज़ किया गया है वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाते हो। साथ ही साथ इस बाइक को जब चलाओगे तो मटेरियल वगैरह गर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से राइडर बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लॉन्ग राइड वगैरह कर सकता है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो देखने को मिल जाते हैं, एंड रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि चैसी माउंट है। अब एक बात मैं बताना चाहूँगा, फ्रंट वाले जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है एंड रियर वाले जो है वो थोड़ा सा हार्डर साइड पे है, जिसकी वजह से आप खराब सड़कों पर लेके जाओगे तो फ्रंट वाले आपको कम्फर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड रियर वाले जो है वो आपको जो है एक अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। अगर आप जो है ज़्यादा वेट वाले हो, दो लोग बैठ जाते हो, तो यूजली जो बाइक्स होती है वो दब जाती है, बट हार्डर होने की वजह से ये जो बाइक है वो कहीं से दबे वगेगी नहीं, आप आराम से इस बाइक को हैंडल कर सकते हो, कंफर्ट के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे कंपनी आपको पूरा मेटल का फ्यूल टैंक देती है जो आता है 10.5 लीटर कैपेसिटी के साथ, एंड इसके जो माइलेज है वो लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है एंड इतने के ही आसपास देती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता रियल लाइफ में एंड जो कंपनी क्लेम करती है उसमें। अगर आप इस बाइक को ओन करते हो तो कितना माइलेज दिया गया है इस बाइक के उस पर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, एंड जितना कंपनी क्लेम करती है उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज आपको ईजिली मिल जाएगी। तो अगर आप फील्ड वर्क करते हो, आपको बार बार पेट्रोल पे नहीं जाना है, तो आप डेफिनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हो। आपको एक बार फ्यूल भराने के बाद आपको बार बार फ्यूल स्टेशन के जो चक्कर है वो नहीं काटने पड़ेंगे। अभी इस बाइक को थोड़ा सा भगाते हैं एंड इसका जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो करते हैं। फ्रंट में आपको इस बाइक में जो है डिस्क दिया जाता है एंड अभी हमारे पास डिस्क वेरिएंट ही है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिस्क का सिलेंडर है मास्टर सिलेंडर वो लगा हुआ है, एंड रियर में आपको 130 mm का जो ड्रम है वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जो है इस बाइक का फ्रंट ब्रेक ही अप्लाई करेंगे, देखते हैं उसमें कैसी बाइक जो है हमको मिलने वाली है। वो ग्रेट मैन, अल्टीमेट, क्या बात है भाई साहब। अभी रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं, देखते हैं रियर ब्रेक जो है कैसी हमें परफॉर्मेंस देने वाली है, कैसा फीडबैक हमें मिलने वाला है। वाव, रियर ब्रेक इज़ ऑल्सो गुड एंड फ्रंट ब्रेक तो भाई साहब क्या ख़तरनाक है। एंड अब दोनों ही ब्रेक्स जो है अप्लाई करेंगे, देखेंगे जो इसकी स्टॉपिंग पावर है दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते समय कैसे मिलने वाली है। वाव, क्रेजी। फ्रंट वाली ब्रेक तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, रियर वाली में इतना ज़्यादा आपको जो है अच्छा फीडबैक नहीं देखने को मिलता है, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी, बट अगर आप दोनों भाई जो ब्रेक्स हैं उनको कंबाइन करके जो है लगाते हो तो आपको काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर मिलने वाली है। काफ़ी कम टाइम में जो बाइक है वो अपनी स्पीड को जो है कम कर देती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। इस सेगमेंट की बाइक में इतनी अच्छी ब्रेक्स जो है यूजली मिलती नहीं है। इस बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी दिया जाता है, तो अभी आपने देखा हमने सिंगल सिंगल ब्रेक अप्लाई की, बट बाइक कहीं से जो है अपना मोमेंटम नहीं खो रही है, कहीं से स्किड नहीं कर रही है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। इस बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया जाता है एंड वो अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है, तो ब्रेक के लोग के आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है इस बाइक में। आप डेफिनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हो, ब्रेकिंग आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। आप जाते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिलता है। फीचर आपको काफ़ी बेसिक से मिलते हैं, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर ओडोमीटर, बाकी जो लाइट्स वगैरह होती हैं टेलिंग लाइट्स वगैरह वो सारी मिल जाती हैं एंड यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। बाकी जो स्विच गियर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है पास का स्विच देखने को मिल जाता है,
जाता है एंड इसी से आप लोग जो है हाई बीम भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, नीचे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है एंड इस स्विच के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ मिसिंग लगता है वो है इसका USB चार्जर। मतलब आप कोई भी बाइक उठा लो, इवन कॉम्पिटिशन की अगर आप एक 100cc की बाइक ले रहे हो तो उसमें भी आपको जो है USB चार्जर दे दिया जाता है, बट होंडा ने अभी तक अभी किसी भी बाइक में जो है USB चार्जर नहीं ऑफर किया है। तो ये पता नहीं कब होंडा जो है नींद से सो के जागेगा एंड ये बेसिक सा फीचर जो है आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, मतलब होंडा की बाइक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ये कमी लगी, बाकी ओवरऑल जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती है, इंजन भी बढ़िया है, साथ ही साथ रिफाइनमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा आपको देखने मिल जाता है, पावर भी अच्छा डिलीवर करती है एंड आप सबको पता ही है कि जो होंडा का मेंटेनेंस वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है। तो अगर आप एक ऐसी जॉब करते हो या फिर आप अभी भी जो है कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हो एंड एक ऐसी बाइक परचेज करना चाहते हो जो आपको पावर भी दे, लुक्स भी दे, कंफर्ट भी दे एंड साथ ही साथ उसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम रहे, तो आप डेफिनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें 10/10 देखने को मिल जाती हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस बाइक की डायमेंशंस की। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की सीट हाइट के बारे में बता देता हूं। तो यहां पे आपको जो है 791mm की जो सीट है वो देखने को मिल जाती है एंड इसके लिए इस बाइक को आपको अच्छे से हैंडल करने के लिए, मतलब जो आपको हैप्टिक ना लगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपकी हाइट कम से कम 5.5 फीट होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो पैर वगैरह हैं इस बाइक पर ईजिली टच होंगे ज़मीन में। बाकी कर्व वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 114kg का जो कर्व वेट है वो दिया जाता है। तो पावर को देखते हुए, फिगर को देखते हुए काफ़ी अच्छा कर्व वेट आपको ऑफर किया जाता है। सिटी वगैरह में आप चलाते हो तो 56 डिग्री डिलीवर करती है एंड वहीं अगर आप हाईवे वगैरह पे लेके जाते हो, हाई स्पीड पे चलाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टेबिलिटी के मामले में जो बाइक है वो काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाली है। सुबह इस बाइक के फीचर्स रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी कवर कर दी है, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो, मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा एंड होप करता हूं मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया इस बाइक की इस वीडियो में वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करना एंड यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन एंड हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, क्या राइट सेफ।